एक लीलगा अपनी मम्मी से जाके पूछा कि मम्मी ये बताइएगा कि जे कैसे घूम रहे हैं इतने। बोल चुपरा, ये योगी जी के आदमी है, ज्यादा मत बोलना, फड़ा देंगे तुम्हारे लिए, मरवा देंगे, जेल पड़वा देंगे, ये ऐसे बोल रहे। सपा सरकार है उसमें मतलब रोजगार ज्यादा था, रोजगार की उम्मीदें भी हैं उसमें, यही है इसीलिए सब मतलब सपा सरकार साइकिल। ये विकास का मुद्दा है, ऊपर से लोगों को गरीबों को राशन भी मिला है, सिलेंडर भी मिले हैं, ये चीजें हैं सारी। रोजगार को लेकर युवा ना, रोजगार थोड़ा कम है इसका। इस वक्त हम आप पहुंचे हैं पीलीभीत की बड़खेड़ा विधानसभा क्षेत्र में और यहां पर तमाम युवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इनका मिजाज क्या है, क्योंकि युवाओं को लुभाने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां लगातार जो है नए नए दावे कर रही है। शुरुआत आपसे करते हैं, क्या नाम है आपका? संजय सोनकर। सोनकर जी, क्या है इस बार युवाओं का मूड? मूड तो ये कह रहा है साइकिल तरफ जा रहे हैं सब लोग, लड़के जितने हैं साइकिल तरफ ज़्यादा जोर कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि हमारी पूरी 5 साल निकल गई, ऐसी निकल गई, बर्बाद हो गई, और इस बारे में कहना चाहते हैं कोई नौकरी नहीं कुछ नहीं, सब बच्चे ऐसे घूम रहे हैं, मैच खेल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, सब वैसे ही मतलब बेरोजगारी कर रहे हैं, कुछ भी सही सलामत नहीं कर रहे हैं। तो इनको लगता है कि बेरोजगारी ज़्यादा रही है, सीधे शब्दों में अगर बात की जाए, और भी लोग हैं इनसे भी बात कर लेते हैं। आप बताइए, क्या नाम है आपका? आदेश कुमार। आदेश कुमार, क्या लगता है इस बार कौन सी सरकार होनी चाहिए? इस बार जैसा संजय ने कहा, आप अपने हिसाब से दीजिए ना, वो अपना वोट अलग देंगे, आप अपना अलग देंगे, वोट अलग देंगे, पर विचार तो सभी के एक जैसे हैं। अच्छा, तो क्या किन मुद्दों पर वोट देंगे? किन मुद्दों पर? वही बेरोजगार की समस्या, रोजगार की समस्या सबसे ज़्यादा ही है, अधिकतर युवा मतलब बेरोजगार हैं। इस सरकार में बहुत ही कम मतलब लोगों को रोजगार मिल रहा है, सपा सरकार है उसमें मतलब रोजगार ज़्यादा था, रोजगार की उम्मीदें भी हैं उसमें, यही है इसीलिए सब मतलब सपा सरकार साइकिल। अच्छा, अगर यहाँ शिक्षा को लेकर बात की जाए तो उसकी व्यवस्था कैसी है? शिक्षा की व्यवस्था में कुछ हद तक सुधार आया है यहाँ पर अचानक, जो मतलब प्राइमरी स्कूल थे उन्हें इंग्लिश मीडियम बनाया गया है, और मतलब शिक्षा भी अच्छी हो रही है, उनमें पढ़ाई भी अच्छी हो रही है पहले से कई हद तक। अच्छा, आपका कहना है कि शिक्षा व्यवस्था जो है यहाँ काफ़ी सुधार हुआ है सपा सरकार के मुकाबले। और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं, इस तरफ चलते हैं या उस तरफ चलते हैं, यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, बैठे हैं आराम से, इनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? जयपाल। जयपाल जी, कैसा माहौल चल रहा है आपकी भरखेड़? माहौल बहुत बढ़िया है बीजेपी का। किस हिसाब से है? अभी हम यहाँ युवाओं से बात कर रहे हैं, उनका तो कहना है कि यहाँ सबसे चीज़ है विकास का मुद्दा है, ऊपर से लोगों को गरीबों को राशन भी मिला है, सिलेंडर भी मिले हैं, तो ये चीज़ें हैं सारी। रोजगार को लेकर युवा ना, रोजगार थोड़ा कम है इस बार, देखते हैं अगली बार सरकार बनती है तो हो सकता है। अगली बार सरकार बनेगी तो इनको उम्मीद है कि यहाँ जो है तस्वीरें बदलेंगी। और भी लोग मौजूद हैं, और भी लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं। भाई साहब, आप बताइए, क्या नाम है? विकास। क्या काम करते हैं? काम तो प्राइवेट चल रहा है अपना, फील्ड का। ये विकास को सब ढूंढ रहे थे, हमें विकास मिल गए। ये बताइए, किनको सीएम बनाने वाले हैं इस बार? अखिलेश यादव। पार्टी पलट रही है विकास, अखिलेश यादव की वोट देंगे भाई। अच्छा, किन मुद्दों पर वोट देने वाले? अखिलेश यादव की सरकार बढ़िया है। योगी सरकार में क्या बुराइयां हैं? बहुत कुछ बुराइयां हैं, गिनाएंगे तो ढेर लग जाएगा, गिनते गिनते। दो चार तो बता ही दीजिए फिर। एक बुराई है, स्कूल बंद होने से बड़ी दिक्कत होगी बच्चों को। शिक्षा को लेकर आप? हाँ, शिक्षा को लेकर बच्चों की पढ़ाई। बात करें हम, महंगाई भी बहुत है ना, महंगाई को लेकर किस तरह 12 साल घूम रहे हैं रोडों पे। आप बताइए। एक लीलगा अपनी मम्मी से जाके पूछा कि मम्मी ये बताइएगा कि जे कैसे घूम रहे हैं इतने। बोल चुपरा, जी योगी जी के आदमी है, ज़्यादा मत बोलना, फड़ा देंगे तुम्हारे लिए, मरवा देंगे, जेल पड़वा देंगे, ये ऐसे बोल रहे हैं। जैसे कि जो किसानों की ये वगैरह वगैरह की, आप देख लीजिएगा कोई खेत में कुछ जाएगी, अगर आधा आधा गायब हुआ तो मानो आधा आधा पूरा गायब हो गया वो खेत, बेचारा कितनी मेहनत से पैदा करता, क्या करता क्या नहीं करता, वो उसकी सब हत्या हो जाती है। हमारा पशु को लेकर यहाँ किसान परेशान है, इनका सीधे शब्दों में ये कहना है। और कहीं ना कहीं तस्वीरों को देखकर ये चीज़ कही जा सकती है कि लोग वाकई जो है यहाँ पर इस बार बदलाव चाहते हैं, और ये बदलाव किस तरह का होगा ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल, अब यहाँ से हम अगली विधानसभा में जाएंगे और वहाँ पर लोगों से जानते हैं कि उनका मिजाज क्या है, क्योंकि 23 फरवरी को यहाँ चुनाव होना है, ऐसे में उनका मिजाज जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। पीलीभीत की बड़खेड़ा विधानसभा क्षेत्र से मैं जितेंद्र गौतम, DNP इंडिया।